हमारा मूल जो सिलेबस का जो विषय था वो था पूर्वत्रा सिद्धम। इस सूत्र में प्रौढ़ मनोरमा में एक पंक्ति लिखी गई है कि यदि अत्र कार्यासिद्धत्वम ईष्येत तर्हि पूर्वत्रा सिद्धम इति मनोरथा इत्यादौ उत्वम न स्यात् परत्वात् रोरी इत्यस्य प्रसंगात्। ये पंक्ति का विवेचन परीक्षा के लिए या अध्येता के लिए मूल विषय दिया हुआ है। तो कल हमने इसकी बहुत सारी चर्चा की थी कि पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र है क्या चीज़, इसका क्या काम होता है। तो ज़्यादा व्याख्यान आज नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें सूत्र से लेकर के हम कल कर चुके थे, लेकिन उस चीज़ को जो एक सारांश निचोड़ आया था कल उसको लेते हुए हम आगे बढ़ें। तो हमने कहा कि पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र असिद्ध का विधान करता है। असिद्ध का मतलब ये किया यहाँ कि किसी शास्त्र के होते हुए भी उस शास्त्र का कुछ देर के लिए किसी के नज़र में अभाव बोध करा देना, उसकी सत्ता को नहीं मानना। तो सिद्धम निष्पन्नम, जस्य अस्तित्वम भवति, जो चीज़ सामने में है कहते हैं, और उस चीज़ को रहते हुए भी उसको न मानना, उसको नज़रअंदाज कर देना, ये असिद्ध है। इसको इस रूप में हम समझें तो पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र ये तय किया था कि सपाद सप्ताध्यायी में जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों के नज़र में त्रिपादी वाले जो सूत्र है वो असिद्ध होते हैं। अर्थात किसी भी लक्ष्य में यदि एक साथ दो सूत्र प्रवृत्त हो, एक सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र और एक त्रिपादी का सूत्र, दोनों एक साथ अपने लक्षण को लेकर के उपस्थित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक लक्ष्य में एक साथ दो काम नहीं होगा तो एक को रोकेगा। तो कौन काम रुकेगा? तो ये सूत्र नियम किया कि पर वाला शास्त्र जो है त्रिपादी का वो असिद्ध माना जाएगा, उसके द्वारा किया हुआ काम काम नहीं माना जाएगा। तो उस असिद्ध विधान में दो पक्ष आया था कि एक तो होता है कि कार्य को असिद्ध करना और एक होता है उस सूत्र को ही असिद्ध करना। तो सूत्र को शास्त्र के द्वारा जब हम बोलते हैं तो किसी सूत्र का असिद्ध विधान कर देना शास्त्र का असिद्ध विधान है, जिसे हम व्याकरण की भाषा में शास्त्रासिद्धत्व पक्ष कहते हैं। लेकिन यदि किसी भी सूत्र के द्वारा कोई काम पहले कर दिया गया और काम को असिद्ध कर दिया कि तेरा काम काम नहीं माना जाएगा, यह काम जो है असिद्ध हुआ है, यदि काम को असिद्ध करेंगे, कार्य को असिद्ध करेंगे, तो उसी को हमने कार्यासिद्ध कहा। तो ये दो पक्ष शास्त्र में थे, शास्त्रासिद्धत्व पक्ष और कार्यासिद्धत्व पक्ष। तो उसमें सिद्धांत ये है कि शास्त्रासिद्धत्व पक्ष को ही माना जाता है, शास्त्र को असिद्ध हम विधान करते हैं, शास्त्र का ही असिद्ध विधान उचित है। यदि शास्त्र का असिद्ध विधान नहीं करेंगे, कार्य का असिद्धत्व विधान करेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये पंक्ति आती है कि यदि कार्यासिद्धत्वम ईष्येत, यदि कार्य को कार्यासिद्धत्व पक्ष आप मानेंगे तो पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र के नज़र में मनोरथा इत्यादो उत्तम न स्यात्। मनोरथा में होने वाला ऊ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि परत्वात् रोरी इत्यस्य प्रसंगात्, पर होने के कारण रोरी सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि आप बाद वाले कार्य को असिद्ध करेंगे तो असिद्ध होने के लिए पहले काम करना पड़ेगा। तो मनोरथा में मनर आगे जब रथा है तो पर शास्त्र है त्रिपादी का रोरी, और हसी च जो है वो पूर्व शास्त्र है। तो हसी च सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत जो है इसके नज़र में रोरी शास्त्र पर है। तो रोरी शास्त्र पर है तो हम शास्त्रासिद्धत्व पक्ष मानेंगे नहीं,
कार्यासिद्धत्व पक्ष मानेंगे, तो कार्यासिद्धत्व पक्ष मानने के लिए पहले कार्य होगा तब ना सिद्ध विधान करेंगे, तो कार्य तो पहले करना पड़ेगा। तो कार्य क्या होगा कि परत्वात्, क्योंकि रोरी सूत्र पर है तो पूर्व सूत्र के नज़र में पर शास्त्र बलवान होता है, इसीलिए पर शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाएगी और रोरी से र का लोप हो जाएगा। तो रोरी परत्वात रोरी की प्रवृत्ति हो गई, अब प्रवृत्ति होगी तो रोरी क्या कर देगा, लोप कर देगा। अब जब लोप कर दिया तो कहेंगे कि हम तेरे लोप को लोप नहीं मानेंगे। तो भैया जब काम हो ही चुका तो अब तुम्हारे मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे हमने कहा कि कल के किसी के भुंगतम प्रति मा भूंगा, किसी ने खाना खा लिया है और उसको यदि कोई कहे कि अब तू खाना मत खा, तो जैसे उसके खाने खाए खा लिए हुए को खाना मना करना बेकार चला जाएगा, इसीलिए काम हो जाने पर यदि कार्य को असिद्ध करेंगे तो असिद्धत्व विधान बेकार चला जाएगा, असिद्धत्व का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इसीलिए परत्वात रोरी की प्रवृत्ति होगी। तो एक तो ये हुआ कि मनोरथा प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसी में हमने कहा था कि एक न्याय भी आता है कि देवदत्त कार्य शास्त्रासिद्धत्वम वा कार्यासिद्धत्वम, तो शास्त्र का असिद्धत्व पक्ष और कार्य का असिद्धत्व पक्ष, किसी ने अभी शांडिल्य जी लिख रहे हैं शास्त्रासिद्धत्वम वा कार्यासिद्धत्वम वा, तो सिद्धांततः शास्त्रासिद्धत्व पक्ष में स्वीक्रियते, यदि कार्यासिद्धत्व पक्ष स्वीक्रियते चेत तरि बहवः दोषाः समापतन्ति, तेषां दोषानाम् एव निर्धारणम् अस्माभिः इदानीं क्रियते, यतो किमस्ति तदेव उच्यते। यदि कार्यासिद्धत्वम् ईष्येत तदा किं भवितेति, कि कार्यस्य विधानं प्रथमम् आवश्यकम्, यतो हि विहितस्य कार्यस्य असिद्धम् एव भवति कार्यासिद्धपक्षः। शास्त्रस्य अर्थात् कार्यात् प्रागेव शास्त्रस्य प्रवृत्तिकाले एव यदि शास्त्रस्य बाधः तदा शास्त्रासिद्धत्वपक्ष इति पक्षद्वयम्। अथ उच्यते शास्त्रासिद्धत्वपक्षे एव ज्यायान्, परञ्च इदानीं पूर्वपक्षरूपेण पंक्तिरियम् उपस्थापिता शास्त्रकारैः कथं न कार्यासिद्धत्वम् इष्टं। तदुच्यते यदि कार्यासिद्धत्वपक्ष को मानेंगे तो परत्वात् शास्त्र की प्रवृत्ति तो आपको पहले करानी ही पड़ेगी, क्योंकि कार्य को असिद्ध विधान करेंगे तो असिद्ध विधान करने के लिए पहले कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करेंगे तो परत्वात रोरी कार्य बलवान होने के कारण कार्य होगा। अब जो रोरी से लोप कर देंगे तो लोप जब हो चुका तो उसको असिद्ध विधान करना बेकार हो जाएगा। तो एक तो ये स्थिति बनेगी कि देवदत्त हंति हतन न्याय प्रसंग होगा, कि जैसे देवदत्त को किसी ने मार दिया और मारने के बाद यदि देवदत्त के मारने वाले को मार भी दे तो जैसे देवदत्त का उज्जीवन नहीं हो सकता, इसी तरह से कार्य होने के बाद यदि असिद्धत्व विधान कर भी देंगे तो देवदत्त रूपी जो र का लोप हो चुका है उस लोप को अब असिद्ध कर भी देंगे तो भी र लोप बचेगा नहीं, र लोप की सत्ता नहीं आएगी, इसलिए होगा। तो एक तो समस्या ये आई। अब यहाँ दूसरी बात कह के एक सिद्धांत है कि तथाच पूर्वत्रा सिद्धे नास्ति विप्रतिषेधो अभावात् उत्तरस्य इति सिद्धांतो व्याकुप्येत। यदि कार्यासिद्धत्व पक्ष मानेंगे तो एक सिद्धांत ये है कि पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र के दृष्टि में विप्रतिषेध शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि पर शास्त्र का उत्तर शास्त्र का अभाव होता है, इसलिए तो उत्तर शास्त्र का अभाव होगा इसीलिए पूर्व पर शास्त्र नहीं होगा, तुल्यबल विरोध की स्थिति नहीं आएगी। तुल्यबल विरोध की स्थिति नहीं आएगी तो स्थिति इस परिभाषा की प्रवृत्ति इस पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र में नहीं होती है। यदि आप कार्य को लगा देंगे, कार्य को कर देंगे, तो कर देंगे इसका मतलब शास्त्र की प्रवृत्ति हो गई, शास्त्र की सत्ता रही, तो सत्ता रही तो फिर ये जो कथन है कि पर शास्त्र के अभाव होने के कारण तो अभावत्व की सिद्धि आप कर नहीं सकते हैं, तो यह जो सिद्धांत है इस सिद्धांत का भी खंडन हो जाएगा, क्योंकि इस सिद्धांत को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब पर में शास्त्र का अभाव हो, और पर में शास्त्र का अभाव कब होगा, जब हम उसको शास्त्र को असिद्ध करेंगे।
तो शास्त्रा सिद्धत्व पक्षे एव परशास्त्रस्य अभावः, परशास्त्रस्य अभावात् एव तुल्यबल विरोधाभावः, तुल्यबल विरोधाभावः एव तस्मात् विप्रतिषेधे शास्त्रस्य प्रवृत्तिः न भवति पूर्वत्रा सिद्धे सूत्र विषये इति कथनस्य संगतिः। अन्यथा कठिन तो नहीं हो रहा, चलिए। तो इसी में ये बात आई। और तीसरा ये कहा कि यदि आप कार्यासिद्धत्व पक्ष मानेंगे तो अमु अमी इस प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए, कार्यासिद्धत्व पक्ष पे ही थोड़ा सा नजर रखना है। कार्यासिद्धत्व का पक्ष का मतलब हुआ कि पहले कार्य आप कीजिए और कार्य करने के बाद असिद्ध कीजिए, यही मूल बात है। तो अब पहले हम बाद वाले शास्त्र को प्रवृत्ति कराएंगे। अब यदि प्रवृत्ति हो जाएगी तो अमु अमी इत्यादि जो प्रयोग है इस प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी। शायद हमारे गुरुजी भी देख रहे हैं, अपने शशिनाथ जी गुरुजी की फोटो दिखाई दे रही है, प्रणाम है उनको यदि वो हैं तो ये अमु इत्यादि प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देखिए। तो कहते हैं कि यहाँ पर में स्थित क्या है कि अदश शब्द है, अदश शब्द के द्वितीया के प्रथमा के द्विवचन में औ रखते हैं तो अ द स औ होता है। यहाँ त्यदादि नाम सूत्र से हम पहले स को अत्व कर लेते हैं तो अ द अ औ ये स्थिति बनती है। ध्यान दीजिए, अब ये जो अ द ये स्थिति है, इस स्थिति में दो स्थिति बन रही है। एक तो अतोगुणे सूत्र से पररूप की प्राप्ति हो रही है, अतोगुणे सूत्र से पररूप की प्राप्ति है। अपदांतात अतोगुणे पररूप में एकादेश स्यात्, अपदांत अ के बाद में यदि गुणवाचक शब्द हो तो पररूप हो। तो अ द का जो अ है उस अ को लेकर के आपके तदादि नाम से किया गया जो अ है उन दोनों अ को लेकर के पररूप की प्राप्ति है, पररूप भी यहाँ पर में है कि सत्ता आ रही है। दूसरा एक सूत्र है अदसो शेर दादु दो मह, तो अदसो शेर दादु दो मह जो ये सूत्र है, ये सूत्र अदस शब्द के द के स्थान में म और उसको उत्व विधान करता है। तो अ द जो ये स्थिति है, इस अ द के स्थान में अदसो शेर दादु दो मह सूत्र से द को म और उत्व की प्रवृत्ति प्राप्त है। अब प्रश्न हुआ कि क्या करें, तो अदसो शेर दादु दो मह जो सूत्र है ये बाद वाला सूत्र है, ये पर सूत्र है। अब सपाद सप्ताह त्रिपादी में भी हम जब प्रवृत्ति कराएंगे तो पर शास्त्र होने के कारण अदसो शेर दादु दो मह जो सूत्र है, लगभग आठवें अध्याय के दूसरे खंड का सूत्र है ये, दूसरे खंड का जो अदसो शेर दादु दो मह सूत्र है ये पर सूत्र है। और इस पर सूत्र को हम क्या करेंगे, कार्य का असिद्ध विधान करेंगे। इसका मतलब पहले सूत्र कार्य करेगा। अब जब सूत्र पहले कार्य करेगा तो सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत जो अतोगुणे सूत्र है, अतोगुणे सपाद सप्ताध्यायी का है, तो सपाद सप्ताध्यायिस्त जो सूत्र है अतोगुणे, इसको ये रोकेगा और रोक करके पहले कार्य करेगा। अब कार्य जब कर देगा तो ऐसी स्थिति में द को पहले म और उसके जगह उ हो करके अ मु अ ये स्थिति बनेगी। तो अ मु औ इस स्थिति में, क्योंकि कार्य आपने किया, कार्य को असिद्ध करने के लिए पहले कार्य करना पड़ेगा और कार्य करने के लिए परत्वात आपका बलवान शास्त्र था अदसो शेर दादु दो मह, जो अदसो शेर दादु दो मह ने काम किया। अब जब काम कर दिया तो अब आप कहेंगे कि हम अब आपको असिद्ध करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अदसो शेर दादु दो मह सूत्र के द्वारा किया गया जो मुत्व कार्य है उस कार्य को आप असिद्ध कर भी देंगे तो वह मुँह ये अतोगुने को कभी भी
जो की स्थिति है, जो पररूप की सत्ता है, वो रूप नहीं दिखा देगा, फिर वही प्रवृत्ति हो जाएगी देवदत्त हंत्रिहतन न्याय की। तो ऐसी स्थिति में कभी भी यहाँ पररूप की स्थिति अतोगुणे से नहीं हो सकती है, और जब नहीं होगी तो ये प्रयोग नहीं बनेगा। तो इसी तरह के कहा कि यदि कार्य सिद्धत्व पक्ष मानेंगे तो कार्य के असिद्ध विधान होने के बाद देवदत्त हंत्रिहतन न्याय आदि की प्रवृत्ति होने से असिद्धत्व होने पर भी ये प्रयोग नहीं बनेगा। इसीलिए अमू की यदि सिद्धि करनी है, अमी की यदि सिद्ध करनी है, तो उसको सिद्ध करने के लिए आपको शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष ही मानना पड़ेगा। तो इसीलिए असिद्ध विधान, कार्य के असिद्ध विधान करने के लिए यही बातें मैंने कहा कि पहले कार्य करना पड़ेगा। तो परत्वात् असो शेर दादु दो मह की प्रवृत्ति, फिर प्रवृत्ति होने के बाद अ के द को मुँह और अ मुँह अ औ, इस स्थिति में वहाँ मुँह को असिद्ध कर भी देंगे तो पररूप की संभावना नहीं बन रही है। इसलिए क्योंकि देवदंत हंत्रिहतन न्याय की प्रवृत्ति प्रसंग हो जाएगा और वह कार्य नहीं बनेगा, तस्मात् यहाँ कार्य सिद्धत्व पक्ष मानना उचित नहीं है। इसीलिए आप मूल ग्रंथ में भी ये लिखा है कि तस्मात् कार्य इति प्राचाम व्यवहारः, मैंने कार्यम असिद्धम स्यात् इति प्राचाम व्यवहारः नोपयुक्त, मैंने प्राचीनों के द्वारा जो ये लिखा गया कि कार्य का असिद्ध विधान होगा वो ठीक नहीं है। तो इसलिए इस सूत्र में शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष ही मानना चाहिए, यही पक्ष उचित है। हाँ, एक जरूर बात ये आती है जरूरी है कि अभी पूर्व में उदाहरण दिया था कि मनोरथ में भी प्रवृत्ति होगी, तो मनोरथ उदाहरण दे करके जब कार्य सिद्धत्व पक्ष को स्थापित कर ही रहे हैं आप, तो फिर अलग से अमू अमी बता करके ये प्रयोग सिद्ध करने की क्या जरूरत थी। एक जरूर ये थोड़ी सी जिज्ञासा होती है कि आपने कहा पूर्व में ही कि यदि ये पक्ष नहीं माना जाए तो परत्वात् रोरी की प्रवृत्ति हो जाएगी और उस सिद्धांत का भी खंडन हो जाएगा, तो वो सब तभी था जब कार्य सिद्धत्व पक्ष में ही था। तो कहते हैं कि देखिए, एक तो दो चीज है कि उस सूत्र से हम र का लोप करते हैं, र का लोप करते हैं, ये कुछ शास्त्रीय कुछ बातें बीच में घुस गई है। तो ऐसी स्थिति में रोरी सूत्र से जो र का लोप करते हैं, ये लोप भी अदर्शन है, लोप भी अदर्शन है। तो दर्शना भाव रूप जो लोप है रोरी के लिए, ये प्रसंग आ रहा है कि मनोरथा इस उदाहरण में जब कार्य सिद्धत्व पक्ष मान करके आपने दोष दिखा ही दिया तो उसी की सिद्धि के लिए मनोरथा प्रयोग ही काफी था, और शास्त्र की प्रवृत्ति करा देने से विप्रच्छेदो अभावाद उत्तरस्य पूर्वत्रा सिद्धे इत्यादि सिद्धांत का खंडन भी सिद्ध हो गया, तो फिर अमू अमी इत्यादि प्रयोग देने की क्या जरूरत थी। तो उसके पीछे कहते हैं कि देखो कि रोरी सूत्र से जो र का लोप है, वह र का लोप अभाव रूप है, और उस अभाव रूप लोप को यदि आप असिद्ध करते हैं तो असिद्ध भी अभाव है, असिद्ध भी अभाव है, लोप भी अभाव है, तो अभाव के अभाव का, तो अभाव का जो प्रतियोगी होगा वो अभाव ही होगा, भाव रूप में जो होगा वह भी कैसा होगा, वही अभाव वाला है। तो इसीलिए कदाचित वहाँ पर में सिद्धि र दिख भी जाए, उ कर भी दे, लेकिन अमु अमी इत्यादि प्रयोग में ये स्थिति संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में यहाँ पर में अमु अमी इत्यादि निर्दुष्ट उदाहरण दिया कि यहाँ पर में इसकी प्रवृत्ति होगी। तदा किम विकृतम रूपम स्यात् इति यदि उच्यते चेत, तो अमु आगे अ है,
तब अतोगुणे से परूप तो होगा नहीं। तो परूप यदि नहीं होगा तो अमु का ऊ जो है उसके साथ में आगे औकार की वृद्धि होगी, तो अम्बु दीर्घ यन आदि की प्रवृत्ति भी हो सकती है, इसलिए वो विकृत रूप बनेंगे। तो उस बात को ध्यान में रख के कहा कि असो अमु इत्यादि की सिद्धि यदि करना चाहते हैं तो कार्या सिद्धत्व पक्ष नहीं मानिए और शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष ही मानिए। तो यह एक प्रसंग समाप्त होता है। तो इस तरह से कल अमु अमी प्रयोग की स्थिति के बारे में कुछ चर्चा शेष रह गई थी, जिस शेष चर्चा के लिए आज अपन ने प्रारंभ किया। अब जो अगला प्रसंग है वो प्रसंग थोड़ा सा और भी गंभीर है, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा देखा जाए प्रसंग क्या है। तो प्यारे छात्रों, पहले आप लोग अपना सिलेबस भी ध्यान में रखना, सिलेबस भी आप लोग सामने रखना, सिलेबस की पंक्ति पहले आवश्यक है। अगला जो है सिलेबस का है इको यनच सूत्र प्रारंभ है, और इको यनच के सूत्र के प्रारंभ में ही प्रौढ़ मनोरमा में पंक्ति लिखी गई है, प्रत्याहार ग्रहणे तदवाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षणा। आप लोग पूर्वत्रा सिद्धम को अब थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, समझ लीजिए एक प्रसंग जो अपना मूल प्रसंग था उस प्रसंग को संपन्न किया, और उसके बाद में यद्यपि चर्चाएं आगे और भी है उसमें, लेकिन वो चर्चा चूँकि आपके सिलेबस में कम है इसीलिए, तो लेकिन फिर इसीलिए आगे के प्रसंग को यहीं मैं विराम दे रहा हूँ एक बार। और आप लोगों की प्रवृत्ति यदि पढ़ने के प्रति दिखाई देगी तो फिर चाहेंगे तो इसको संपूर्ण कम से कम मूल ग्रंथ को लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए पूर्वत्रा सिद्धम का जो ये पक्ष था, एतेन त्रिपाद्याम विहितम कार्यम असिद्धम इत्यादि प्राचांग ग्रंथः परास्तः, इसीलिए प्राचीनों के द्वारा ये कही गई बातें संपन्न हुई। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ तो भाव रूप वहाँ लोप ही होगा, भाव रूप जो है ना लोप ही होगा, तो अभाव हो जाने के हेतु, इसीलिए भाव रूप जो होगा वह लोप का अभाव, जब जैसे कहते हैं कि घटा भाव घट का अभाव हो गया, तो यह घट के अभाव के तरह अभाव नहीं है, घटा भाव अभाव नहीं है, ये घट जो था वह स्वयं भाव रूप में था, यहाँ लोप जो है वो भी अभाव रूप में ही है। तो अभाव का भी जब अभाव करेंगे तो वह जो आएगा वह भी अभाव रूप वाला ही आएगा, तो लोप ही दिखेगा, तो लोप वाला जो स्वरूप रहेगा तो ऐसी स्थिति में बन नहीं पाएगा। तो चलिए हाँ, अब यहाँ ये प्रसंग है कि प्रत्याहार ग्रहणे तदवाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षण, ये थोड़ा सा इसका मूल जड़ में जाना पड़ेगा कि ये बात है क्या चीज़ और ये क्यों कही गई है, और ये थोड़ा गंभीर है, कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ समझा पाऊँ जितना मैं कुछ स्वयं के देख करके या पढ़ करके गुरुजी मुख के मुख से जो कुछ स्मरण है उस हिसाब से। देखिए कि हमारा जो इको यनचि सूत्र है, इस सूत्र में इक ये प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार है, इस एक प्रत्याहार को आदिरंतेन सहिता सूत्र से हम बनाते हैं। तो एक इस प्रत्याहार या एक यह जो पद है प्रत्याहार संज्ञक, इस प्रत्याहार संज्ञक शब्द में अर्थ की दृष्टि से इसकी शक्ति उस चार वर्ण में आती है, ई ऊ रील री जो माहेश्वर सूत्र में पठित है। तो इस तरह से ध्यान देने की बात है कि इक इत्यादि जो प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार की शक्ति इस चार वर्ण में निर्धारित है, चार शक्ति चार वर्ण में निहित है, किसमें, माहेश्वर सूत्र में जो पठित वर्ण है ई ऊ री ल्री
इस चार में शक्ति है। तो प्रत्याहार की शक्ति जो चार में है, तो इस चार पद का, चार वर्णों का ही बोध होगा प्रत्याहार के द्वारा। तो जैसा वर्ण पठित है उसी के ग्रहण होने के कारण इक के उसी वर्ण के स्थान पर यनादि कार्य होंगे। दीर्घ आदि जितने भी वर्ण हैं उसका ग्रहण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इको यनच इत्यादि सूत्र के द्वारा सुधी उपास्य इत्यादि स्थल में यन की प्रवृत्ति नहीं होगी। अभी इस स्थिति में तो इसीलिए चर्चा और शास्त्रार्थ में बहुत चीज़ें आती है कि दो पक्ष माने जाते हैं अपने यहाँ, दो अर्थ तरीके माने जाते हैं शक्ति के बारे में, कि जाति में शक्ति मानते हैं और व्यक्ति में भी शक्ति मानते हैं। व्याकरण में दोनों में शक्ति मानते हैं, जाति में भी शक्ति मानते हैं और व्यक्ति में भी शक्ति मानते हैं। तो जाति में यदि शक्ति मानते हैं तो आकार के द्वारा जितने भी भेद हैं उन सभी भेदों का ग्रहण हो जाएगा। तो ग्रहण हो जाएगा तो एक पद की शक्ति सभी वर्णों में हो जाएगी, तो सभी वर्ण का ग्रहण भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्य रूप से अभी ये समझा जाए तो चाहे इक इको यनेच का इक है उसमें भी उस प्रत्याहार की जो शक्ति है वो शक्ति यहाँ रहेगी। उसके द्वारा जैसे अन्य वर्णों का ग्रहण होगा वहाँ भी ग्रहण हो जाएगा। तो इस स्थिति में सुधी उपास्य इत्यादि स्थल में यन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई वही जाति पक्ष ही माना जाता तब कथाचित कदाचित काम कर सकते थे एक पक्ष। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर में भी हम यदि ये कहें कि अनुदित व्यक्ति पक्ष भी है अपने पास, तो जब हम व्यक्ति पक्ष को स्वीकार करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति, जो वर्ण पठित है, जो उच्चरित है उसी का ग्रहण होगा, अनुच्चरित का ग्रहण नहीं होगा। तो उच्चरित एव वर्ण प्रत्यायको भवति, नानुच्चरित उच्चित उच्चरित वर्ण का ही ग्रहण होता है, अनुच्चरित का ग्रहण नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पक्ष में ये समस्या आ गई कि व्यक्ति पक्ष में हम इस ईकार से दीर्घ ईकार का ग्रहण कैसे करेंगे। तो यदि कदाचित हम ये कहें कि भाई अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से सवर्णी का ग्रहण करा देंगे तो सवर्णी का ग्रहण हो जाएगा, तो ग्रहण हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ई से दीर्घादि का भी ग्रहण होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है एक प्रथम पक्ष उपस्थापित करें तो। लेकिन समस्या ये है कि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की प्रवृत्ति माहेश्वर सूत्र में नहीं होती है। भाष्यकार ने इस बात को साफ शब्दों में कहा है कि माहेश्वर सूत्र में अनुदित सवर्णस्य चा की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें उपदेश की जो स्थिति आती है वो पंचवाक्य के अनंतर होती है। तो पहली स्थिति होती है वर्णानाम उपदेश, उपदेशोत्तर काल इत्संज्ञा, इत्संज्ञोत्तर काल प्रत्याहार, प्रत्याहारोत्तर काल सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञोत्तर काल सवर्ण ग्रहणम। तो यह जो स्थिति बनी है इसके कारण यह अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र की प्रवृत्ति माहेश्वर सूत्र में नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में हरस्व वर्ण से दीर्घादि वर्ण का ग्रहण नहीं होगा। तो उसी बात को कि पंचवाक्य के अंतर के अन्यत्र स्थल में जब प्रवृत्ति नहीं होगी तो इको यनच में भी इसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तो वर्ण समाम न्याय में इसकी प्रवृत्ति नहीं हुई अनुदित सवर्णस्य से, तो अन्य उसके सवर्णी का ग्रहण नहीं होगा, नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पक्ष में ये समस्या उपस्थित हुई।
कि व्यक्ति पक्ष में दीर्घादि जो वर्ण है उसका ग्रहण कैसे हो, और उसका ग्रहण यदि नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो सुधी उपास्य में दीर्घ इकार घटित वर्ण है ऐसे वर्ण में यन कैसे करेंगे। ये समस्या आई। इस समस्या को समाधान के लिए कि वही बात यदि हम कहें कि अनुदिष्ट वर्ण से चाप प्रत्यय इत्यादि जो सूत्र है, इको यनच जो सूत्र है, इसमें भी इक पद के द्वारा इकारादि में अनुदित सवर्णस्य की प्रवृत्ति को मान लें और दीर्घादि का ग्रहण हो जाएगा तो वहाँ भी नहीं करते, क्योंकि वही जो चीज़ है उच्चरित एव शब्द प्रत्यय को भवति नानुच्चरित, तो उच्चरित के द्वारा जो वर्ण है ई क इस प्रत्याहार में वही ई लिया जाएगा, तो इक पद शब्द निष्ठ जो शक्ति है उसमें दीर्घादि की उपस्थिति नहीं होगी, नहीं होगी तो वहाँ भी किसी तरह से संभव नहीं है। अब जब नहीं हुआ और दीर्घ वर्ग को ग्रहण करना ही पड़ेगा तो और कोई तरीका नहीं है, यहाँ एक पद का या किसी भी प्रत्याहार का जो तदवाच्य है प्रत्याहार से द्वारा जो बोध्य वर्ण है उस वर्ण का अपने जो उत्तर बोध्य वर्ण है उसमें निरूढ़ लक्षणा मानना पड़े, निरूढ़ लक्षणा स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ये जो निरूढ़ लक्षणा है ये ज्ञापक के द्वारा स्वीकार किया जाता है और व्यक्ति पक्ष में माना जाता है। अब इसकी चर्चा करेंगे, ये निरूढ़ लक्षणा क्या है, कौन सी चीज़ आ गई नहीं, तो लेकिन ये तय हुआ कि यह जो प्रश्न उठ रहा है यह प्रश्न व्यक्ति पक्ष में चल रहा है, जाति पक्ष में, हालांकि जाति पक्ष मान करके आगे चल के नागेश भट्ट जी जाति पक्ष स्वीकार करके इसको खंडन कर दिए कि इसमें निरूढ़ लक्षणा स्वीकार करने की जरूरत नहीं है और ये जाति पक्ष से काम चल जाएगा इसको कहने के, और जाति पक्ष में व्यक्ति पक्ष क्यों नहीं स्वीकार किए तो उसका भी उदाहरण देते हैं कि आवात्ताम इत्यादि प्रयोग में यदि व्यक्ति पक्ष लेंगे तो प्रतिपक्ष में प्रत्युच्चरित वर्ण जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, तो जैसे अ बा त स ताम ये प्रयोग आता है, इस स्थिति में झल के परे झल वर्ण रहने पर लोप होता, तो जब प्रत्युच्चरित वर्ण भिन्न होगा तो एक त भिन्न है और दूसरा त भिन्न है तो भिन्न भिन्न वर्णों की उपस्थिति होने के कारण स की उपस्थिति नहीं होगी, और जाति पक्ष में यदि मानते हैं तो समस्त तकार जहाँ कहीं भी है वो सभी तकार जाति में झलत्वेन एक होगा, तो इसीलिए सवर्णी झल पर में हो जाएगा, तो उसको तभी संभव है कि जब हम जाति पक्ष स्वीकार करें, इसीलिए जाति पक्ष स्वीकार करने के कारण कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति पक्ष में उठाया गया ये प्रश्न है तो इस प्रश्न में अब दीर्घादि वर्णों के ग्रहण करने के लिए हमारे पास निरूढ़ लक्षणा मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा है। तो ये जो निरूढ़ लक्षणा है इस निरूढ़ लक्षणा को हम कैसे मानेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे, तो उसके लिए कहा कि देखिए ये ज्ञापित है, ज्ञापन के द्वारा ये पता चलता है कि यहाँ लक्षणा स्वीकार करनी पड़ेगी। तो क्या ज्ञापन, तो ज्ञापन है दो तीन सूत्र का उल्लेख करते हैं कि एक तो दीर्घाजसीच सूत्र से हम दीर्घ का निषेध करते हैं, गौरियो इत्यादि प्रयोग में दीर्घाजसीच इस सूत्र से दीर्घ का निषेध करते हैं। थोड़ा सा इस रूप को समझ लें कि गौरी धन औ है, अब यहाँ पर में स्थिति ये आई कि सूत्र है हमारे पास प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण में पूर्व सूत्र से अक की अनुवृत्ति आती है, तो अक की जब अनुवृत्ति आती है तो ऐसी स्थिति में वो अक इसमें आएगा, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से अनुवृत्त अख का प्रथमो पूर्व सवर्णा में। अब यदि प्रत्याहार में दीर्घ वर्ण का ग्रहण नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में प्रथमयो पर पूर्व सवर्ण सूत्र में भी दीर्घ की सत्ता नहीं आएगी, दीर्घादि का ग्रहण नहीं होगा। दीर्घादि का ग्रहण जब नहीं होगा तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र में दीर्घ के अभाव होने के कारण वहाँ
दीर्घ की स्थिति ही नहीं बनेगी तो फिर उसको निषेध करने के लिए गौरी औ इत्यादि स्थल में दीर्घाच इस सूत्र को बनाने की क्या जरूरत है। तो ये दीर्घादि का ग्रहण करना तो अकसवर्णी दीर्घ सूत्र से अक की अनुवृत्ति लाए। आप थोड़ा सा इसको स्पष्ट समझ लें कि हम उस पक्ष को मान रहे हैं व्यक्तिगत पक्ष, व्यक्ति पक्ष में जब एक वर्ण से दूसरे वर्ण का ग्रहण नहीं होगा तो उस स्थिति में निरूढ़ लक्षणा स्वीकार करते हैं। निरूढ़ लक्षणा स्वीकार करने में ज्ञापन क्या है, उस ज्ञापन विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो अकसवर्ण दीर्घ सूत्र से जो अनुवृत्त जो अक पद की है वो प्रथमो पूर्व सवर्ण सूत्र में है। अब प्रथमो पूर्व सवर्ण सूत्र में अक की यदि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय की प्रवृत्ति नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी दीर्घ वहन वर्ण नहीं होगा तो इत्यादि स्थल में दीर्घ की प्राप्ति ही नहीं थी तो उसको निषेध करने के लिए दीर्घाजसी च सूत्र विधान व्यर्थ हो गया। अब चूंकि पाणिनि जी ने दीर्घाजसी च सूत्र ये बनाया है निषेध करने के लिए, इसका मतलब दीर्घ वर्ण का ग्रहण होता है। तो दीर्घ वर्ण का ग्रहण कब होगा, जब आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भैया यहाँ इक जो है अपने अन्य सवर्णी वर्णों का ग्रहण कराने वाला है, इक पद की शक्ति सभी अन्य वर्णों में है। अब वो सभी अन्य वर्णों में है, यह अनादि परंपरा से इक पद की शक्ति को स्वीकार कर लेना ही निरूढ़ लक्षणा है। यह निरूढ़ लक्षणा इसलिए लक्षणा कहा कि अनादि प्राप्त लक्षणा है, अनादि प्राप्त शक्ति है इक पद में, तदवाच्यवाचकी का अर्थबोध कराता है, सभी प्रकार के वर्णों की शक्ति का सामर्थ्य इसमें है, ये अनादि परंपरा से प्राप्त शक्ति वाला एक पद है, इसीलिए इसमें निरूढ़ लक्षणा। ये सामान्य लक्षणा गंगायाम घोषा की तरह प्रकृति लौकिक लक्षणा नहीं है, यह अनादि परंपरा से प्राप्त है। इसीलिए अनादि परंपरा से होने के कारण ये ज्ञापक हो रहा है, दीर्घाजसी च में दीर्घ ग्रहण व्यर्थ हो करके ही ज्ञापन करेगा। दूसरी बात कि प्वादी नाम हरस्वः, इस सूत्र में भी पू आदि कहा, ल्वादिभ्यः लू आदि कहा, तो यदि मान लीजिए दीर्घ वर्ण की सत्ता ग्रहण ही नहीं होता तो दीर्घ वर्ण में यण की प्राप्ति ही नहीं थी, तो यण की जब प्राप्ति ही नहीं थी तो फिर पाणिनि जी ने यण का निर्देश करके इसका प्रयोग कैसे किया। तो इसका निर्देश यहाँ दीर्घ विधान किया गया है, प्वादी नाम ह्रस्व में दीर्घ यण कार्य किया गया है, ल्वादिभ्या में किया गया है, यह सब कार्य भी निर्देश इस बात को ज्ञापित करता है कि प्रत्याहार में दीर्घादि वर्ण का ग्रहण होता है। अब वो दीर्घादि वर्ण का ग्रहण कैसे होगा, इसका मतलब अन्य सभी वर्णों में एक पद की शक्ति माननी पड़ेगी और वही अनादि परंपरा से जो प्राप्ति शक्ति है वही निरूढ़ लक्षणा पद से व्यवहित होगा। ये बातें आती है, इसी बात को लिख रहा प्रत्याहारेषु तदवाच्यवाची। तो प्रत्याहार का तदपद से स्वपद पकड़ेंगे, स्वपद हो गया कौन, प्रत्याहार। तदवाच्य कौन हो गया, प्रत्याहार के अंतर्गत जो ई ऊ री ली चार वर्ण है। तदवाच्य कौन हो जाएगा, ई से 18 प्रकार के ई, ऊ से 18 प्रकार के ऊ, तो ई पद की शक्ति 18 प्रकार में है, ऊ पद की शक्ति 18 प्रकार में है, री पद की शक्ति 18 प्रकार में है, ली की शक्ति 12 प्रकार में है। इस तरह से निरूढ़ लक्षणा के द्वारा एक पद की उपस्थिति 66 वर्णों के रूप में उपस्थित होती है। अब ऐसी स्थिति में जब 66 की उपस्थिति हो गई तो यण पद से 7 वर्ण की उपस्थिति होती, और 7 वर्ण की उपस्थिति होती है तो उसको फिर यथासंघ की स्थिति नहीं बनती, तो स्थानत अंतर्याद यकारः। ये सामान्य मोटी मोटी बातें इस मूल पंक्ति का अर्थ है। उसी बात को लिखते हैं इको यनचि प्रत्याहार ग्रहणेशु तदवाच्यवाच्ये निरूढ़ा लक्षणा दीर्घाजसि च इति ज्ञापकात् ल्वादिभ्यः इति निर्देशाच्च
तेन इक शब्देन षट्षष्ठिर गृह्यन्ते यन शब्देन सप्त। तो प्रत्याहार ग्रहणेशु ये एक शब्द है, तो ग्रहण शब्द जो है यहाँ ग्रहण शब्द का अर्थ क्या करें, गृह्यते बोध्यते यही ही, जिसके द्वारा ग्रहण किया जाए, तानी ग्रहणानी, और वो ग्रहण किसके द्वारा, प्रत्याहार एव ग्रहणानी इति प्रत्याहार ग्रहणानी, तेषु प्रत्याहार ग्रहणेषु, तो प्रत्याहार के ग्रहण विषय में जहाँ प्रत्याहार का ग्रहण किया जाए उसमें तदवाच्य मने तद प्रत्याहार वाच्य स्ववाच्य, तो स्ववाच्य वर्ण कौन हो गया, प्रत्याहार घटित जो वर्ण है, प्रत्याहार के द्वारा जो बोध्य पद है वो प्रत्याहार वाच्य हुआ, और उस वाच्य का वाच्य क्या है, उसके जो इतर जितने भी सारे भेद हैं, तो तदवाच्य अर्थात स्ववाच्य वाच्येषु दीर्घादि वर्णेषु लक्षणा कीदृशी लक्षणा निरूढ़ा लक्षणा, ये निरूढ़ जो है ये विशेष शब्द जोड़ दिया है, ये लक्षणा है, ये वही कोई ज़्यादा अंतर वाला नहीं है, जैसे अपने यहाँ रूढ़ी लक्षणा पूर्व से है, तो रूढ़ी जो शब्द है उसी का एक रूपांतर हमको समझना चाहिए, इसी को जो हमारे प्राचीन आचार्य हैं इसी रूढ़ी लक्षणा के बारे में, जैसे द्विरेप इत्यादि पद में जो हमारे नैयायिकों ने प्राचीन आचार्यों ने जो स्वीकार किया है, जिस लक्षणा वृत्ति को, प्रायः वही लक्षणा यहाँ निरूढ़ लक्षणा पद से व्यवहृत हो रहा है, कोई विशेष ऐसे लक्षणा नहीं है जो अलग से है, जो रूढ़ी शक्ति है उसी रूढ़ी शक्ति को विशेष लक्षणा के द्वारा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्यों कहा कि उसी तरह की लक्षणा है, तो जो जो उस लक्षणा में हेतु चाहिए वही चीज़ें यहाँ भी रहती है, तो वो क्या चीज़ है कि बाध प्रतिसंधानम विनैव, लिख एक पंक्ति लिखी है कि वस्तुतः द्विरेफादौ रूढ़ शक्तिरेव न लक्षणा बाध प्रतिसंधानम विनैव बोधात्। उसी को लिखते हैं कि रूढ़ी शक्ति जो है असति प्रयोजनम शक्यार्थ बाध प्रतिसंधान पूर्वकम तत् संबद्ध्य परार्थ बोधे निरूढ़ लक्षणा इति व्यवहारः। ये टीका में कहीं लिखा है कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए, एक तो मुख्यार्थ बाध होना चाहिए, तो तत्संबंध जो रूढ़ है वही रूढ़ रूप जो है कारण इसमें भी देखा जाता है और यहाँ भी देखा जाता है, यहाँ इससे पर जैसे उदाहरण देता है वहाँ एक में त्वचा ज्ञातम, तो त्वचा ज्ञातम इत्यादि वाक्य में त्वचा का अर्थ हम करते हैं त्वगिंद्रिय, तो त्वगिंद्रिय के द्वारा किया गया ज्ञान, तो यहाँ स्वशक्य संबंध का जैसे त्वगादि इंद्रिय में लक्षणा है, जैसे त्वक पद त्वगादि इंद्रिय का वाचक है, उसी तरह से अय उण इत्यादि पद में अ आदि जो वर्ण हैं वो अपने समस्त 18 प्रकार के वर्णों में निहित है, 18 प्रकार के शक्ति उसमें होने के कारण, माने जाने के कारण, जैसे वहाँ रूढ़ी के द्वारा बोध होता है वही रूढ़ी पदार्थ यहाँ भी है, क्योंकि अनादि परम इसीलिए हम इसको निरूढ़ लक्षणा कहते हैं, उसी कहते हैं इयमेव निरूढ़ लक्षणा मीमांश कई है प्राचीन तारिक कई ही द्विरेप इत्यादौ लक्षित लक्षणा शब्देन व्यवह्रियते। इसी लक्षणा को प्राचीन जो नैयायिक है और जो मीमांसक लोग हैं ये लक्षित लक्षणा के नाम से जानते हैं, तो वहाँ जो लक्षित लक्षणा का व्यवहार है वो अपने व्याकरण में यहाँ निरूढ़ लक्षणा के रूप में व्यवहित है। अतः सारांश ये हुआ कि व्यक्ति पक्ष को स्वीकार करने पर ही ये प्रश्न की संगति होती है, और यदि जाति पक्ष मानते हैं तो जाति पक्ष मानने पर कोई ज़रूरत नहीं है लक्षणा स्वीकार करने की और संपूर्ण बोध हो जाएगा। ये इसकी मूल पंक्ति है
चर्चा प्रसंग में कुछ बातें आती है लेकिन डर लगता है कि छात्रों के लिए कुछ कठिन न हो जाए, उसी बात को लिखते हैं कि ननु व्यक्ति पक्षे एक पदोपस्थाप्य उकारादि भी दीर्घादि ग्रहणम न स्यात्। व्यक्ति पक्ष यदि हम मानते हैं तो इक इत्यादि पदों के द्वारा जो उपस्थाप्य जो वर्ण है उकारादि, उस उकारादि से दीर्घ आदि वर्णों का ग्रहण नहीं होगा। कहा क्यों? उच्चारित एव शब्द प्रत्याय को भवति नानुच्चारित इति अनुदित सूत्र भाष्योक्ते। ये शब्द रत्नकार की पंक्ति है कि उच्चारित शब्द ही प्रत्यायक होता है, नानुच्चारित अनुच्चरित पद नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक पद के द्वारा दीर्घादि की उपस्थिति नहीं होगी। अब यहाँ शास्त्रकार, अब ये वाक्यार्थ बोध या प्रसंग जो है बहुत लंबे चौड़े शास्त्रार्थ का विषय इसमें आता है। अब यहाँ पर मैं ये शब्द रत्नकार जो है एक पद का ग्रहण करके और लिखते हैं उकारादि भी ग्रहणम न स्यात्, तो उकार को पकड़ लिए है। इस पर भी बातें आती है कि भाई इकार को ही कहना चाहिए था, तो इकार को छोड़ करके और लिख रहे हैं कि उकारादि से दीर्घादि वर्ण का ग्रहण नहीं होगा। तो ये उकार तक क्यों गए? तो इसीलिए कहा कोई बात नहीं, आपने जो कहा उच्चरित एव प्रत्याय को होती नानुच्चारित, इस पद से यदि उकार का ग्रहण हो, इकार का ग्रहण हो भी जाएगा तो कम से कम इकार में दीर्घादि का ग्रहण भले ही कर लेंगे आप, लेकिन उकार में दीर्घादि का ग्रहण तो कभी संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उच्चरित होने के कारण इकादि से दीर्घादि की संभावना कभी बन सकती थी लेकिन उकारादि में कभी संभव नहीं है, इसीलिए शब्द रत्नकार ने इस व्यक्ति पक्ष में भी यहाँ बताते हुए उकारादि में दीर्घादि का ग्रहण नहीं होगा ये पक्ष रखा। फिर आगे चल के कहते हैं कि नहीं, जैसे समुदाय में उसका बोध हो जाएगा लक्षणा के द्वारा, इसी तरह से इसका भी बोध हो जाएगा, इसलिए इकार सहित हम लक्षणा के द्वारा समस्त वर्णों का बोध करते हैं। तो ये एक प्रसंग था, जिस प्रसंग को थोड़ा सा आप लोग ग्रंथ में भी देखिएगा छात्र, तो आपको परीक्षा के लिए प्रष्टव्य ये प्रश्न हुआ कि माहेश्वर सूत्र में इक इतिको इनच इत्यादि सूत्र में इक पद से उनके सवर्णी वर्णों का ग्रहण कैसे करते हैं, जाति पक्ष में करते हैं या ये जो पंक्ति कही गई है वो किस पक्ष में है? तो व्यक्ति पक्ष में है। व्यक्ति पक्ष में क्या होता है? तो जो उच्चरित होता है उसी का ग्रहण होता, अन्य का ग्रहण नहीं होता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पक्ष स्वीकार करने पर प्रत्याहार घटित इसी वर्ण का ग्रहण होगा, दीर्घादि का नहीं होगा। तो शुद्धि उपासय इत्यादि में दीर्घ वर्ण होने के कारण संधि नहीं होगी। शेष चर्चा आगे करेंगे। आप लोगों ने इस कठिन शब्द को भी सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना के साथ। और इसी तरह से आप लोग धीरे धीरे संख्या में कम होते जाइए ताकि आप लोगों की उपस्थिति को देख करके अब मुझे आगे फिर विचार करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ज़बरदस्ती आप लोग आ रहे हो, क्योंकि दो दिन के बाद ही तीसरे दिन में स्थिति कम दिखाई दे रही है, और या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या जो आज की परिस्थिति है आजकल उसके हिसाब से। तो इस तरह से बहुत बहुत आपको बधाई, जो जहाँ हैं जो इस पे आते हैं वो शेयर कीजिए ताकि जो जैसे भी है, और मैं जानता हूँ कि अपने जो विशेष रूप से आजकल के जो छात्र होते हैं वो कार्यकाल पक्षी छात्र होते हैं, तो प्रौढ़ में जब अपन परिभाषेंदु शेखर पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रकार के छात्र बताए जाते हैं, एक कार्यकाल पक्ष वाले और एक यथोद्देश्य पक्ष वाले। तो यदा कार्यम तदा संज्ञा, जब कार्य उपस्थित हो, ये पूर्वोत्तरा सिद्धम में भी था, बीच में शायद चर्चा में रह गया कि कार्यकाल पक्ष में त्रिपादी में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो ये जब काम आएगा तब देख लेंगे अभी कौन सी परीक्षा की डेट आई है क्या पढ़ना है। तो एक इस तरह के होते हैं छात्र, एक होते हैं यथोद्देश्य पक्ष वाले, जो अस्माकं गुरुः पाठयति अस्ति अस्य किमपि प्रयोजनम् इति उद्दिश्य अध्ययन समकालमेव गृह्णाति एवं भूता यो हि छात्रः सच छात्रा भवति यथोद्देश्य पक्षीय। तो यथोद्देश्य पक्ष बनने होकर के हमको कुछ समझना चाहिए, और चूंकि विषय कठिन है तो कम कम भी शब्द रहेगा, कम कम भी विषय लेंगे
तो भी थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे। और हमारे गुरुजी आचार्य सियाराम दास जी महाराज जी दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। और आप सबके ही सामर्थ्य से मैं इस बैठे हुए टाइम पे कुछ करने का प्रयास किया हूँ, और इसकी स्थिति को आप बताएं, जो भी सुझाव की ज़रूरत हो, जहाँ कहीं भी स्खलन होता हो, उस सब का परिष्कार करते हुए आप मुझे दिशा निर्देश देंगे। महाराज जी सियाराम दास जी अब पुनः आपके चरणों में प्रणाम, और सभी बड़े को प्रणाम के साथ मैं आज के इस प्रत्याहार ग्रहणे तदवाच्यवाच्य निरूढ़ा लक्षणा को यही स्वीकार करता हुआ व्यक्ति पक्ष में। और जैसे हमने कहा कि नागेश भट्ट जी इससे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, नागेश भट्ट जी कहते हैं कि भैया जाति पक्ष को मानो, और जाति पक्ष मानने पर ही काम चलेगा, व्यक्ति पक्ष मानने पर काम नहीं चलेगा, अन्यथा अवात्ताम इत्यादि की प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जाति पक्ष को ही स्वीकार करना चाहिए, और इत्यादि ये ज्ञापक से निरूढ़ा लक्षणा इत्यादि स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो संक्षेप में इसको यहीं पर मैं कहता हुआ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।